नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेट पर टुडे। मैं जावेद। सरकार और जूनियर डॉक्टरों के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले 6 दिनों से डॉक्टर स्ट्राइक है। डॉक्टरों का कहना है हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। फीस 1,30,000 है, स्टाइपेंड 55,000 रुपए। साथ ही हमको परिवार भी चलाना पड़ता है। इस रकम में परिवार को अब नहीं चलाया जा सकता। जब डॉक्टरों ने इस बात को सरकार ने नहीं मानी, सरकार ने बदले में डॉक्टरों द्वारा भरे बांड को, जो कि लगभग 650 करोड़ के आसपास रकम होती है, उसकी डिमांड डॉक्टरों से कर दी। डॉक्टर इसी बात पर नाराज हो गए और आज रीवा की सड़कों पर उतर आए भीख मांगने के लिए। आइए आपको लेकर चलते हैं रीवा के श्यामसा मेडिकल चिकित्सा महाविद्यालय और वहां दिखाते हैं आसपास का नजारा क्या कुछ है और साथ ही डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं। आज हम समस्त जूडा रीवा के जो हमारे मेंबर्स हैं वो यहाँ पे खड़े हैं ताकि हम अपने लिए सरकार को एक मैसेज भेज सकें। जो सरकार ने, हमने 6 दिन से कार्यबंदी कर रखी है। हम सरकार से अपनी जो 6 या 7 मांगे हैं उनको निरंतर मांगते आ रहे हैं, पर सरकार की तरफ से कोई हमसे बात करने के आगे नहीं आया है। और सरकार की तरफ से अन्य जितनी भी तरीके की हथकंडे अपनाए जा सकते हैं दबाने के, वो सब अपनाए जा रहे हैं। इससे त्रस्त होकर परसों हम लोगों ने सभी ने एक सामूहिक इस्तीफा दिया। अब सरकार इस चीज़ के ऊपर हमारी बातों को सुनने की जगह हमसे उस इस्तीफे के तौर पर जो बॉन्ड मनी हमने होती है वो मांगी जा रही है, जिसका अमाउंट लगभग 750 करोड़ है। 750 करोड़ के कितने गरीब घर से लोग यहाँ पे आए हैं उठ करके, गाँव से आए हैं उठ करके, जो डॉक्टरी कर रहे हैं किसी के पास नहीं है। तो हम अब जनता से सामने कटोरा लेके बैठे हैं कि आप हमें कुछ सहायता करें तो हम भी अपना बॉन्ड मनी भर करके आगे अपना कार्य कर सकें। आज भी हम सरकार को इस बात का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमारी मंशा किसी भी तरह की कार्यबंदी या हड़ताल की नहीं है। हम ये चाहते हैं कि बस हमारी मीटिंग हो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री से, ताकि हमारी बातें सुनी जा सकें एक प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर कि सबकी बातें सुनी जाएं। हम भी सरकार की सुने, सरकार भी हमारी सुने, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है किसी तरह की। ना तो हम कोई रण कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी मांगे रख रहे हैं। और मांगने वाले की कोई रणनीति नहीं होती है, हम सिर्फ अपनी मांगे रख रहे हैं। अब सरकार हमसे एक दुश्मन की तरह व्यवहार कर रही है या फिर हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर रही है। तो आज भी हम सिर्फ सरकार से निवेदन इस चीज़ का कर रहे हैं कि जो हमारे हक का है, जो आम जनता के हक का है, क्योंकि देखो डॉक्टर अलग से नहीं होते हैं। आप मध्यम वर्ग के परिवार से, मैं भी हूँ, वहीं से निकल के मैं भी डॉक्टर बना हूँ। अभी स्थिति यह है कि 2018 में जब हमारे सीनियर्स आए थे तब 55,000 कॉलेज की फीस थी और 55,000 ही स्टिपेंड था, तो एक महीने की सैलरी चली जाती थी। जब मेरे 19 में जब मेरे सीनियर्स और आए तो तब फीस हो गई 77,000 और स्टिपेंड मिला 55,000, तो 3 महीने की सैलरी चली गई, डेढ़ महीने की सैलरी चली गई। अब चूँकि जब मैं आया हूँ 2020 में, हमारी फीस है 1,30,000, सारी फीस मिला के, हॉस्टल फीस मिला के 1,30,000 हमारी फीस है। अब 1,30,000 फीस भरता हूँ, स्टिपेंड अभी भी 55,000 मिल रहा है, यानी कि मेरी 3 महीने की सैलरी तो इसी चीज़ में चली जा रही है। इसके अलावा हमारी जो बुक्स हैं कोई सरकार तो हमको मुहैया कराती नहीं है, बाहर से ही किताबें लेनी पड़ती हैं। अगर अच्छा इलाज करना है तो अच्छा पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है, जिससे इसी वजह से तो आप हम लोगों, आम जनता हम पर भरोसा रखती है एक अच्छे बेहतर इलाज के लिए। तो एक किताब की कीमत ही हमारी 15,000 से 20,000 रुपये होती है, क्योंकि कोई शादीशुदा है जिसके ऊपर परिवार का बोझ है या फिर किसी के माँ बाप का। ऐसा नहीं है कि बीमारियाँ हमारे माँ बापों को नहीं होती हैं या हमारे परिवार में नहीं है। किसी को लकवा लगा हुआ है, उसका बेटा यहाँ पे पढ़ रहा है, वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। क्या आपको लगता है कि 55,000 स्टिपेंड के साथ में 3 महीने की सैलरी फीस में भर के 20,000 की बुक्स अफोर्ड करके, जो एक साल के लिए ही आती हैं और 7-8 बुक्स खरीदनी पड़ती हैं, इसके अलावा परिवार चलाना, साथ में अपना भरण पोषण करना संभव है? सरकार 1,30,000 रुपये हमारी साल की फ़ीस है, अभी भी डेट आने वाली है, हम फीस भरने वाले हैं हॉस्टल फीस मिला के। अब सरकार से सिर्फ इतना पूछना है, जो जैसा कि गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इनको 60-70 हज़ार रुपये दे रहे हैं, पहले तो इन्होंने जो बोला है वो डॉक्यूमेंटेड हमको दिखाएं कि 60-70 हज़ार ही हमको कहां दे रहे हैं। दूसरी चीज़ बोल रहे हैं इन्होंने हमारी बात मांगे मान ली हैं। अगर इन्होंने हमारी मांगे मान ली हैं, कुछ चुनिंदा मांगे मान ली हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है? क्या मीडिया में आप लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन आया है? कोई पत्र आपके पास में आया है साइन किया हुआ? नहीं आया है। तो इस तरीके का एक मीडिया में इस चीज़ को फैलाना या आम जनता में फैलाना कि देखिए सरकार ने तो बातें मान ली हैं। देखिए आश्वासन, मौखिक आश्वासन तो बहुत दिए गए हैं,
घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।